न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। महाराष्ट्र में इलेक्शंस जोरों शोरों पर है। नामपल्ली AIMIM MLA माजिद हुसैन ने वहां पर एक जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं तफसीलात। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब, यहाँ पे मौजूद शेख इरशाद साहब, हाजी इसाफ कॉर्पोरेटर साहब, रफीक चीता साहब, शेरू हाजी साहब, निसार खान साहब, शाकिर खान साहब, सैयद अहमद कॉर्पोरेटर साहब, सबीर साजिद बिल्डर साहब, फिरोज खान साहब, मोहम्मद कैर सलमान, शेख जराय, सलीम हिक साहब, पाउडर पे भी गुफ्तगू होगी। आपका जलसा एक इंतजामी जलसा है और आप जानते हैं कि चुनाव पूरी उरूज पर है और इंशाअल्लाह ताला आज से चार दिन बाद इंशाअल्लाह आप और हम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए इम्तियाज जलील साहब को, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है कि आपके इत्तेहाद से इम्तियाज जलील साहब एक भारी अक्सरियत से यहाँ पे कामयाब होंगे। इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी जमातें आपके दरमियान में आती है, अपनी अपनी बात रखती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस गेट से यहाँ से जो बात की जाती है वो आपके लिए बात की जाती है, जो वादे किए जाते हैं वो आपके लिए किए जाते हैं, हम जो कर सकते हैं वो आपके सामने बोलते हैं। हम दूसरी पार्टियों के तरीके से हथेली में जन्नत नहीं बताते, झूठे वादे नहीं करते और सिर्फ इल्जाम लगाने या किसी को हराने अपने स्टेज की जीनत नहीं बनते। हम बैठते हैं तो अपनी कौम के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे मसाजिद के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं हमारे मदारिस के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे महल्ले जात के विकास के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे महल्ले जात में अच्छे अस्पताल लाने के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे नौजवानों को रोजगार की बात करने वक्त के फिलौनों के सामने ठहरते हैं। और आपने खुद देखा, मैं तो हैदराबाद में बैठकर मेरा छाता चढ़ा होता था जब मैं सदर मजलिस के साथ इम्तियाज जलील को वहां पर उस नरेंद्र मोदी के सामने तैर कर आंखों में आंखें उसके डाल कर आपकी बात करते हुए भूल गए कि आज जो हमारे गली कूचों में आके हमें जिसके नाम से दबाया जाता है या जिस पार्टी का नाम लेके हमें दबाया जाता है, मोदी का नाम लेकर हमें डराया जाता है, योगी का नाम लेकर हमें डराया जाता है। अरे तुम्हें क्या डरने की जरूरत, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है जिसने मोदी के सामने ठहर कर आंखों में आंखें डाल कर आपका मुतालिबा किया। आपको किस चीज से डरना है, आपके खुद के यहाँ के उम्मीदवार वो है जिसने ठहर कर डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ को पसला कहा, डंका कहा। किस बात का डर है, खिलौनों से मुकाबला करने वाला आपके दरमियान में, खिलौनों के लश्कर से टकराने वाला आपका अपना है, आपके लिए मर मिटने वाला आपका अपना है, नौजवानों को हिम्मत देने वाला आपका अपना है, बुजुर्गों की ताकत बनने वाला आपका अपना है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने वाला आपका अपना है, आंसू गरीबों के पोंछने वाला आपका अपना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के शान में गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान को हिलाने वाला आपका अपना है।
बोल रहा हूँ, क्या ये आपका अपना पूरे मुसलमानों की फसल सबकी बेपाक बात करने वाला आपका अपना जंजाल जलील साहब नहीं है? तुम्हें और किसकी जरूरत, तुम्हें और किसकी जरूरत? ऐसे निगाह गायब होते हुए जो रविवारों की आंखों में डाल कर बात करकर उनके गिरेबानों को अपने हाथों से पकड़कर जिसने ललकारा है वो आपका उम्मीदवार है, तो आपको इत्तेहाद में एकजुट होने में कौन रोक सकता है? आपको यहाँ से इंसाफ लाने में कौन रोक सकता है? आपको हिंदुस्तान को एक इत्तेहाद का पैगाम देने से कौन रोक सकता है? याद रखो औरंगाबाद के गयूर लोगों, तुम पर नजर है तमाम महाराष्ट्र की, तुम पर नजर है तमाम हिंदुस्तान के लोगों की, कि वो देखेंगे कि जो ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर नरेंद्र मोदी से टकराता था, योगी आदित्यनाथ के मुंह पे जवाब देता था, अमित शाह के आंखों में आंखें डालकर बात करता था, गुस्ताखे रसूल के जो किसान में गुस्ताखी करता था उसके पैजामे गीले करता था, उसको कितनी भारी अक्सीयत से तुम जिताओगे? ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है कि तुम्हारा इत्तेहाद ऐसा होगा कि हर कोने में हिंदुस्तान में एक उम्मीद जगेगी। अगर इत्तेहाद है तो पश्चिम है, इत्तेहाद है तो हम है, इत्तेहाद है तो बेबाकी है, इत्तेहाद है तो खयानत है। फैसला तुमको करना है, फैसला तुमको करना है। मुझे ताज्जुब दिख रहा था जब मैं यहाँ पे ये भी देख रहा था कि औरंगाबाद जैसे शहर में लोग स्टेज सजाकर उसके ताल्लुक से बात कर रहे थे जिसने पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद दी। मुझे बताओ औरंगाबाद के गयूर लोगों, है नौजवानों, अगर तुम होश आवाज में मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे दबाव दो, क्योंकि मैं कश्मकश में हूं। वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह की शान में उसने जिसने गुस्ताखी की वो किस बात पर खुश होगा? वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वो किस? न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाबकट्टा मेन रोड अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह, मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।